क्वेश्चन नंबर दैट इज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया देखो एजिनियर्स, एजिनियर्स को हमने क्या लिखा है क्लास इंटरवल के हिसाब से मेंशन कर दिया क्लास इंटरवल के, ओके। और जो नंबर ऑफ पेशेंट दैट इज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पेशेंट जो होगा दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी, ओके। नंबर ऑफ पेशेंट जो है देखो ये वालों को क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, 6, 11, 21, 23, 14 ये वाला 14 है एंड 5, ओके 14 एंड 5। तो अभी पहले हम लोग को बोला है कि फाइंड द मोड, मोड फाइंड करना है, उसके बाद मीन फाइंड करना है, उसके बाद कंपेयर करना है, उसके बाद इंटरप्रेट करना है, तीन चीज, 1, 2 मीन, 3 कंपेयर, दैट इज जो फोर्थ पार्टी इंटरप्रेट, कंपेयर एंड इंटरप्रेट। तो पहले हम लोग जानते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है इस पार्ट वाला है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो दिस विल बी एफ, दिस विल बी एफ जीरो, दिस विल बी एफ टू, ओके। तो दिस विल बी एफ वन, दिस विल बी एफ जीरो, 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसी को क्या बोलते हैं मॉडल क्लास। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहां पे कितना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एफ वन इक्वल्स टू दैट इज 23, देयरफॉर मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 35 to 45। एल का वैल्यूज कितना होगा, एल इक्वल्स टू 35 और 35 मतलब लोअर लिमिट, पहले वाला फर्स्ट क्वेश्चन में तो बताया था एल इज द लोअर लिमिट, एच हो गया तुम्हारा 10 और एफ जीरो जो प्रीसीडिंग वाले हैं इससे इधर वाले जो है लेफ्ट वाले वो कितना होगा 21, एफ जीरो इक्वल्स टू 21 और F2 जो है इधर वाला दैट विल बी 14। मोड का जो फॉर्मूला है मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H, ये होता है इसका फॉर्मूला, ओके। इज इट क्लियर प्रियंसी, प्रियंसी इसका फॉर्मूला क्लियर? अच्छा देखो इसका फॉर्मूला होता है ये वाला मोड का फॉर्मूला, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। तो क्या होता है देखो, जो हम लोग को यहाँ पे दिया ना ये वाला 14 है, यहाँ पे 14 है, तो ये जो है ना सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना है 23, ओके। तो इसको क्या बोलेंगे मॉडल क्लास, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले। तो ये जो है ना इसको क्या बोलते हैं एफ वन, इसका प्रीसीडिंग वाले को क्या कहते हैं एफ जीरो, इसके बाद वाले को क्या कहते हैं दैट इज एफ टू। तो हमने लिखा देखो एफ वन कितना लिखा बेटा प्रियंसी, एफ वन कितना लिखा 23, क्यों, इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और ये वाला जो यहाँ पे दिया है दैट इज 14, दैट इज 14। एफ वन के लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या होता है एफ जीरो, राइट हैंड साइड वाले क्या होता है दैट इज एफ टू। तो एफ वन कितना लिखा बेटा 23, ओके। एफ जीरो कितना लिखा बोर्ड में दिखाई दे रहा बेटा 20, एफ टू कितना लिखा 14 और मॉडल क्लास क्या लिखा 35 to 45, है ना। देखो तो मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है उसको एल कहते हैं, तो एल इक्वल टू कितना हुआ 35, है ना बेटा। एज क्या होता है जो साइज होती है 35 से 45 कितना होगा दैट विल बी 10,
और ये फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ओके बेटा, ये फॉर्मूला याद होते ही इस फॉर्मूला को एक जगह लिख के रखोगे दीवार में है, और उसी फॉर्मूला को पुट करेंगे तो फिर आ जाएगा। तो एल का वैल्यू सब लोग 35 पुट कर देते हैं, प्लस एल का वैल्यू 35 पुट कर दिया, एफ वन के वैल्यू एफ वन हम लोग को लिख ही दिया था यहाँ पे 23, एफ जीरो का वैल्यू दैट इज 21, टू एफ वन टू इंटू 23 माइनस एफ जीरो दैट इज 21 माइनस एफ टू दैट इज 14, एच का वैल्यू यहाँ पे कितना है दैट इज 10, तो हो जाएगा 35 प्लस 23 माइनस 21 दैट विल बी 2, ये हो गया 46, 2 इंटू 23 46 माइनस 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5 दैट इज 35 इंटू 10, ध्यान से क्लियर बेटा। प्रियंशी, अच्छा तो यहाँ पे फिर हमने कितना लिखेंगे, 35 प्लस 20 आपको ले लेना है, तो 35 प्लस ये 2 आएगा, 2.8 अराउंड आ जाएंगे, ये 2 दैट इज 2 से 22 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे दैट इज 7, 20 11 ना, तो 20 11 सॉरी 1 दैट इज 11 9.8 है ना, 1.8 इज द अप्रोक्स, तो 36.8 अप्रोक्स, ये जो है नंबर ऑफ प्रश्न, ये हो गया अप्रोक्स, इसका इतना वैल्यू हो गया, कौन हुआ ये वाला हो गया तुम्हारा क्या है मोड, तो मोड का वैल्यू इतना हुआ 36.8। क्लियर बेटा, ओके। इसके बाद क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट जो पूछा, देखो इसमें चार पार्ट है, मोड पूछा, मोड के बाद क्या पूछा, मीन पूछा, मीन मीन तो हम लोग कोई भी वैल्यू से निकाल सकते हैं मीन का, तो मीन के लिए अच्छा मोड तो समझ में आ गया, मोड का एक फोटो खींच देता हूं और उसको सेंड करता हूं, तो इस क्वेश्चन के हमने पहले बेटा मोड फाइंड करके दे दिया दैट वाज 36.8, अभी इसका मीन फाइंड कर रहे हैं, इसका मीन फाइंड करना, मीन फाइंड करने के लिए पहले हम लोग को चाहिए क्लास मार्क, क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब एक्स आई, एक्स आई मतलब दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड, तो 15 प्लस 5 दैट इज 20, 20 बाय 2 दैट विल बी 10, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 15 दैट विल बी 40, 40 बाय 2 दैट विल बी 20। क्लियर से क्लियर, एक्स आई कैसे फाइंड हो रहा है, क्लियर बेटा, एक्स आई इस तरीके से फाइंड होती है, जैसे देखो ये जो है 5 टू 15 है ना बेटा, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 उसको क्या कहते हैं, एक्स आई कहते हैं, ठीक है बेटा, तो एक्स आई इक्वल्स टू क्या हुआ, लोअर लिमिट 5 अपर लिमिट 15 बाय 2, तो कितने हो जाएंगे 20, 20 बाय 2 दैट विल बी 10, बात क्लियर बेटा, ओके। सिमिलरली इस वाले का फाइंड करेंगे तो 15 और 25 दिया, तो 15 प्लस 25 बाय 2 दैट विल बी 40 बाय 2 दैट विल बी 20, कोई मुश्किल नहीं होता है, यहाँ पे 10 हो गया 20, इसके बाद वाला कितना आएगा बेटा, प्रियंशी यहाँ पे कितना आएगा 30, तो ध्यान रखोगे इसके
टोटल 10 है, तो ये तो दोनों को 10 आ गया, फिर इसमें 10 ऐड कर दिया 20, फिर इसमें 10 ऐड कर दिया 30, इसका कितना आएगा 40, इसमें कितना आएगा 50। तो क्या करते हैं, पहले वाला फाइन करते हैं और इसके अंदर जो साइज है उसको ऐड करने लग जाते हैं और इसमें हो जाएंगे 60। ओके, उसके बाद है दैट इज fi xi, इसे इनटू वाला इनटू करना पड़ता है, इसको अभी मैं हटा देता हूं, ये तो अभी f1 f2 हो चुका था, तो 6 × 10 दैट इज 60, ये वाला कितना होगा 220, ये वाला कितना होगा 3, ये कितना हो जाएंगे 3 4 xi fi, हाँ fi xi, ओके 3 4 12 92 0, ये हो जाएंगे 700, ये हो जाएंगे 300। ओके, बात क्लियर हो बेटा प्रियंशी? तो इसमें क्या करते हैं, मीन फाइंड करना है, हम लोग को मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में। अच्छा, इसको पहले सॉल्व करता हूं। मीन के लिए जो फॉर्मूला है मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है एक्स बार के वैल्यू। ओके बेटा, सिग्मा मतलब ये जो सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा सिग्मा मतलब क्या होता है, समेशन। तो इसका मतलब ये सब को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करके कितना है बेटा, ये हो गया 60, ये हो गया 220, ये हो गया 630, ये हो गया 920, ये हो गया 700, ये हो गया 300, कितना होगा बेटा, यहां पे तो 0, 5, 7, 7 एंड 6, 13, 1 कैरी 4, 4, 7, 11, 11, 9, 20, 20 and 6, 26, 26 plus 2, 28. बात क्लियर प्रियंशी? कीर्ति, कीर्ति एडिंग देख लिया? तुम्हारा ऐड करके कितना आ रहा है? अच्छा, ओके, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2830, और ये वाला जो है सिग्मा एफ आई, यहां पे क्या फाइंड करेंगे, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना है बेटा, ऐड करो 17 एंड 21 17 and 21, 17, 21, that is 38, 38, 23, that is 11, 61, that is 14 or 5, 19, 80, okay, that is 80. बात क्लियर हुआ? ओके, अभी 80 आ गया, अभी उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड पे यहां हमने लिख दिया 2830 अपॉन 80, सम का कितना आ गया, ये तो कट गया, तो 283 अपॉन 8 कितना आ रहा है डिवाइड करके,
283 8 से डिवाइड करोगे किलोमीटर 35 और इसके मतलब 56 अपॉन 4 आ जाएंगे तो 5 भी आ जाएगा ठीक है इसका 35.375 ये तो इयर्स होगा ओके तो थोड़ी देर पहले उन लोगों का मीन फाइंड हुआ था मूव मोड तो ये तो हो गया यहाँ तक मैं तुम लोगों को फोटो खींच के सेंड करता हूँ बेटा अभी क्वेश्चंस किए देखो बेटा हम लोग का क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था इसको पहले क्लियर कर लेते हैं मोड मोड हम लोग का इससे पहले आ गया था कितना मोड हम लोग फाइंड किए थे मोड आया था हम लोग का मोड कितना है थे 36 पॉइंट कितना है था बेटा याद है मोबाइल में हम लोग फोटो सेंड किया था मोबाइल में फोटो सेंड किए थे देखो मोड आया था ये वाला हम लोग थोड़ी देर पहले किए थे मोड 36.8 मोड आया था 36.8 इयर्स मोड था 36.8 इयर्स थोड़ी देर पहले निकाला था और मीन आया था इतना तो क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द मोड एंड द मीन तो इसके बाद मोड जो है इक्वल्स टू 36.8 इयर्स एंड जो मीन है वो हो गया 35.375 इयर्स लाइक दैट ओके अभी देखो उसमें एक चीज और पूछा है इसमें एक चीज और पूछा है क्या पूछा कंपेयर एंड इंटरप्रेट तो ये वाला क्या इंटरप्रिटेशन ये वाला क्या इंटरप्रिटेशन कोई बता सकते हैं इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे तो मोड एंड मीन इंटरप्रिटेशन में बेटा बोर्ड में दिखाई दे रहा है बेटा कीर्ति बोर्ड में दिखाई दे रहे साक्षी प्रियंशी यस और नो अच्छा तो अभी देखो जो मोड होता है मैक्सिमम वाला तो द पेशेंट admitted in the hospital patient admitted in the hospital is of maximum तो पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज ऑफ मैक्स इज मैक्सिमम एज ऑफ इज मैक्सिमम एज ऑफ कितना है जो मोड वाले 36.8 इयर्स मैक्सिमम एज ऑफ तो पेशेंट का मैक्सिमम एज ये है ओके एंड मीन मतलब क्या था एवरेज एंड एवरेज पेशेंट एंड पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज ऑफ
is average age of कितना average age कितना है उन लोग का 35.375 years. ओके तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है जो पेशेंट वहां पे एडमिटेड है पेशेंट्स कर देता हूं पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज मैक्सिमम एज ऑफ 35.6.8 इयर्स. मोड मतलब क्या मैक्सिमम उन लोग का एज जो है और पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज एवरेज एज. मीन मतलब क्या होता है एवरेज एज. एवरेज इन लोग का कितना है 35.375 भी लिख दोगे कोई मुश्किल नहीं है. अप्रोक्सीमेटली लिख दिया पॉइंट के बाद दो दो डिजिट लिख. बात क्लियर. क्लियर तो एवरेज एज कितनी है 35.37 और जो मैक्सिमम एज उन लोग का कितना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. नहीं तो ये भी लिख सकते हो पेशेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज ऑफ दिस वन ईयर. यहाँ पे मैक्सिमम को यहाँ पे भी लिख सकते यहाँ पे लिख दो एक्चुअली और आसान हो जाएंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ नहीं इसको दोबारा लिख थोड़ा और लैंग्वेज अच्छा सही है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इज ऑफ कितना इयर्स 36.8 इयर्स. ये लिखोगे तो करेक्ट आंसर हो जाए. तो ये क्या होगा जैसे बोलते हैं ना मोड मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट का जो एज है इतना इयर्स ओके और पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल जो है उन लोग का एवरेज एज 35.37 इयर्स. बात क्लियर बेटा कीर्ति. आकांक्षा अच्छा प्रियांशी और एक शायद साक्षी पेशेंट है. साक्षी क्लियर. अच्छा तो वीडियो का पहले से देख लेना तो क्या होगा सब समझ में आ जाएगा. वीडियो को पहले से देख लोगे तो आ जाएंगे. पहले इसका क्वेश्चन को ध्यान रखना चार नंबर का हुआ तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है मोड पूछा. मोड हम लोग पहले फाइंड कर दिया. मीन पूछा मीन बाद में फाइंड किया और जो बोलते हैं कंपेयर करना है तो लिख दिया मोड इतना मीन इतना और उसके बाद बोला इंटरप्रिटेशन. मीन मतलब जो होता है एवरेज एज और मतलब मोड मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट का उतनी एज है. मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो है उसका एज 36.8 इयर्स है. फिर तुम लोग हाँ बेटा बोलो. ठीक है एक मिनट और एक मिनट टाइम के अंदर क्लियर कर दो. बेटा तुम लोग को लगेगा यहाँ पे जो गैप छोड़ दिया एक्चुअली मीन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड होते हैं एज्यूम मीन मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड होता है. कोई भी मेथड में तुम लोग फाइंड कर सकते हो. हमने अभी डायरेक्ट मेथड में फाइंड कर ओके क्लास एंड हो गया. ठीक है बेटा हाँ फोटो सेंड कर. अच्छा अभी कार्तिक अभी स्पेस ये हुआ